हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन टी20 लीग की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है ऐसे मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच के, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो IPL तो पूरा कवर कर ही रहे, इसके साथ साथ आपको यहाँ से लोकल मैचेस के वीडियोज़ मिल जाएंगे, जैसे कैसे रवांडा टी20 हो गया, जैसे शारजा रमजान टी20 हो गया, ये सारे अच्छे मैचेस के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल से भी जाएगा। बात करें यहां से इस मैच की, तो यह मैच दोपहर में 3:30 पर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा, जो कि बैटिंग के लिए काफी अच्छी पिच है, रन यहां पर अच्छे बनते हैं। लास्ट मैच की बात करें तो ऐसे आई थिंक यहां पर 157 किए थे मुंबई ने पहली बैटिंग करते हुए, जहां पर चेन्नई सुपर किंग ने इसको आसानी से विनिंग कर लिया था 159 बना के। तो बात करें यहां से एवरेज 140 के प्लस तो बन ही सकता है, इवन यहां से 200 के पार भी आंकड़ा जा सकता है। चेजिंग रिकॉर्ड की बात करते हैं, ऐसे चेजिंग करने वाली टीम को बहुत ज्यादा एडवांटेज, लेकिन यहां पर ये नाइट में मैचेस होती थी, यहाँ पर देखो डे मैच थे, तो यहाँ पर ड्यू फैक्टर वगैरह का जो टेंशन रहेगा, टेंशन है नहीं, तो यहाँ पर ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं। बाकी विकेट्स के मामले में ऐसे पेसर्स ने बाजी मारी हुई है, 199 विकेट है 27 मैच के अंदर, और साथ में ऐसे स्पिनर्स को 93 विकेट मिली हुई है, लेकिन लास्ट मैच के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 विकेट निकाली थी पेसर्स ने और 7 विकेट मिली थी यहाँ पर स्पिनर्स को। वेनी परफॉर्मेंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है, 72 मैचेस खेले गए जिसमें से 44 विकेट्स यहाँ पर विकेट नहीं ऐसे विनिंग की, ऐसे मुंबई इंडियंस ने 28 मैच हारी है सिर्फ, और कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करो तो ऐसे 15 मैच खेले गए जिसमें से 4 बार वो जीती है, 7 मैच वो हारी है। तो ओवरऑल इस ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड कोलकाता नाइट राइडर्स का इतना अच्छा नहीं है, बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स का इतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा। और ऐसे कुछ प्लेयर है जो कि यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड इनके काफ़ी अच्छे हैं, उस प्लेयर के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये पूरा IPL हम लोग ऐसे रियल 11 के ऊपर खेलने वाले हैं, रियल 11 के ऊपर ही क्यों, तो इसके फायदे मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे बड़ा फायदा तो क्या है, यहाँ से फ्री गिव अवेज, 50,000 रुपये का गिव अवेज है, और ये इसी मैच का नहीं है, हर मैच के अंदर, मतलब कि जितने भी IPL मैचेस होने वाले हैं, जहाँ पर आपको हर मैचेस के अंदर ऐसे 50,000 रुपये का फ्री गिव अवेज मिलेगा, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, मतलब कि फ्री में ऐसे 50,000 रुपये जीतने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ से 100% अश्योर विनिंग लीग, देखो को कहीं पर IPL में आपने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी होगी जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लीग वो रखते हैं, मतलब ग्रैंड लीग वगैरह रखते हैं, लेकिन वहाँ पर वो फिलअप नहीं होती और फिर वो कैंसिल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपने ज्वाइन किया कॉन्टेस्ट 100% आपको, मतलब कि उस जो विनिंग आपकी होगी वो आपको मिलने वाली है। बाकी पहला गेम बिल्कुल फ्री मिलेगा, फर्स्ट गेम बिल्कुल फ्री, डाउनलोड करिए खेलिए, एप्लीकेशन अच्छा लगे तो आगे खेलिए, 100% अच्छा लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है ना, पहला गेम आपको फ्री रखा हुआ है, क्योंकि इनको भी कॉन्फिडेंस है, एप्लीकेशन जो भी है हमारी उनको भी कॉन्फिडेंस है कि बंदे को अच्छा लगेगा एप्लीकेशन। इनके साथ साथ ऐसे फ्री गिव अवे डेली रहते हैं। यहाँ पर देखो फैंटासी के साथ साथ ट्रेडिंग और ओपिनियन के भी ऑप्शन है, वो क्या है, तो ट्रेडिंग जो है यहाँ से पूरा शेयर मार्केट की तरह काम करेगा। अभी देखो अभी कल मुंबई इंडियंस जीतेगी कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने, यहाँ पर यस करोगे तो 8 रुपीज़ है और नो करोगे तो ऐसे 2 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लोग का जितना बजट है बजट के अनुसार यहाँ से आपको इसको लॉट में खरीदना है, जितना आप लोग लॉट चाहे अपना बजट के अनुसार इसको लॉट में खरीद सकते हो। अगर आपका सवाल सही रहा तो आपकी अच्छी खासी विनिंग यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन के जवाब देने से मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे आप लोग अपना ओपिनियन पोल भी दे सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जैसे कि कोलकाता नाइट राइडर्स की पहली विकेट क्या 3 ओवर्स तक मुंबई इंडियंस ले पाएगी, तो यस या नो में जवाब दीजिए और यहाँ पर अच्छी खासी विनिंग करिए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका आप लोग आसानी से जवाब देके भी विनिंग कर सकते हैं। तो जो लोग ऐसे फैंटासी में बहुत सारा लॉस खा चुके हैं तो उनके लिए रियल 11 बेस्ट एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। पहला गेम बिल्कुल फ्री है, फ्री गिव अवेज भी है और बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो 3 मैच खेली है, लास्ट मैच वो जीत के आ रही है, लेकिन इसके पहले 2 मैच आ रही है।
ओपनिंग में कौन है? तो रोहित शर्मा, ईशान किशन दोनों ओपनिंग करवाए। और बात करें ऐसे रोहित शर्मा की, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे भाई, केकेआर के सामने इनका बल्ला चलता है तो इस प्लेयर को लेके जाना है। ईशान किशन की बात करो तो विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे और वैसे भी आई थिंक ऐसे बेस्ट ऑप्शन है। और रिसेंटली पिछले दोनों मैच करने इन्होंने लड़ाई पकड़ी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि इनसे एक बड़े परफॉर्मेंस की उम्मीद है और आगे हमको देखने को मिल सकता है, तो इनको भी हम लोग लेके जाएंगे। तिलक वर्मा के ऊपर जरूर रिस्क लीजिएगा एज अ प्लेयर, ऐसे आई थिंक मैं सजेस्ट करता हूँ इनको हम लोग लेके जाएंगे। लास्ट मैच के इनको टॉप में खेलने का मौका भी मिला जहाँ पर 41 रन किए, ओवरऑल पहली मैच के 84 किए थे, इसके बाद 22 किए। लेफ्ट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ जैसे राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करता हुआ दिखेगा। बाकी ऐसे सूर्य कुमार यादव की बात करें तो भाई बहुत निराश है, जब से मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने वनडे ट्रॉफी खेली इसके बाद इनका मतलब काफ़ी दबाव में है। अलग अलग नाम आ रहे हैं यहाँ पर मीम बनाने वाले, यहाँ से पहले एक रन पे आउट हो गए तो इनका नाम ऐसे सिंगल कुमार यादव ही लिया, लास्ट मैच के अंदर वो जीरो पे आउट हो गए तो शून्य कुमार यादव। तो मतलब कि ट्रोल तो करेंगे, पब्लिक ट्रोल करेंगे, लेकिन ये बंदा यहाँ पर आप जानते हो उनको T20 के अंदर नंबर वन बैट्समैन रह चुका है। हालांकि अभी इनका थोड़ा सा क्रमांक ऊपर नीचे हो गया, लेकिन बंदा अच्छा है, ऐसे कंटिन्यूसली आप लोग चाहो तो इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हम लोग इनको लेके जाएंगे। टीम डेविस थोड़े से रिस्की रहेंगे, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहता है इनका। कैमरून गिन को एज अ डिफरेंशियल में जरूर लेके जाएगा क्योंकि भाई अभी जिन जिन्होंने पैसा लिया था वो अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे निकोलस पुरन ने कर दिया, इनके साथ साथ कल हैरी ब्रुक ने भी कर लिया था, तो अगली बारी ऐसे कैमरून गिन की है इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आने वाले ही बाकी है, क्योंकि कल यहाँ पर श्याम करण ने भी 3 विकेट निकाल लिए तो इनका भी परफॉर्मेंस आ गया, तो जिनों जिन्होंने पैसे लिए थे ना ज़्यादा वो परफॉर्मेंस कर दे रहे, तो ऐसे कैमरून गिन को एज अ डिफरेंशियल में जरूर ट्राई करेगा। अरशद खान ओके ओके रहेंगे, बाकी रिले मेरेडिट को जरूर ट्राई करेगा, विकेट टेकर गेंदबाज है, हर एक मैच के अंदर 1-2 विकेट चटकाएगा। ऋतिक शौकीन की बात करते हो, शौकीन लास्ट मैच के अंदर 4 ओवर की पूरी गेंदबाजी की जहाँ पर इन्होंने 1 विकेट निकाली, इसके पहले पूरी ओवर्स नहीं करवा रहे थे, तो थोड़ा डिफरेंशियल खेलो तो ट्राई करिएगा। बाकी पीयूष चावला के ऊपर रिस्क ले सकते हो, लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाली। बाकी इस पिच के ऊपर पीयूष चावला से आप लोग एक बार फिर से उम्मीद रख सकते हो, हालांकि हमें बैट्समैन के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है, तो आप लोग चाहो तो इनको रिस्क के तौर पर ट्राई कर सकते हो। बाकी बेहरन ड्रॉप वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लेके जाना है। स्टार्टिंग में आएंगे ऐसे जैसन बेहरन ड्रॉप और यहाँ से अरशद खान, डेथ वर्स में मेरेडिट के साथ बेहरन ड्रॉप डेट में आएंगे। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनकी अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। शायद यहाँ पर डेवाल ब्रेविस कल कमबैक कर सकते हैं, शायद टीम में मौका मिल सकता है इनको कल। बाकी यहाँ से जोफ्रा आर्चर का भी जरूरत तो है यहाँ पर मुंबई इंडियंस को, तो इनको भी कमबैक करवा सकती है टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करते हो तो 4 मैच खेली, 2 मैच जीती, 2 मैच हारी। भाई इनके ना मिडिल ऑर्डर्स काफ़ी तगड़े हैं कोलकाता के, वो इनके मेन जो है यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका वही है। ओपनिंग में ऐसे नारायण जगदीशन और यहाँ पर गुरबाज दोनों ओपनिंग करवाए, अभी ये दोनों ही आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे। और आई थिंक ऐसे रहमाना कुतुल्ला गुरबाज तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक है, तो यहाँ पर देखो विकेट कीपिंग सेक्शन ने 3 ऑप्शन है और तीनों ही ओपनिंग करवा रहे हैं। नारायण जगदीशन है, रहमाना कुतुल्ला गुरबाज है और सामने ईशान किशन है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो आई थिंक हम लोग इनके बारे में आगे बात करते हैं। बाकी फॉर्म की बात करूँ तो ईशान किशन पिछले दोनों मैच के अंदर अच्छे लय में दिखे, रहमाना कुतुल्ला गुरबाज ने एक बार ऐसे 57 रन की पारी खेली, नारायण जगदीशन हमारे लिए ट्रंप कार्ड बन सकते हैं, तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। वेंकटेश अय्यर लास्ट मैच के अंदर 10 रन किए, इसके पहले 83 किए, इसके पहले 34 किए थे, तो एक मैच के अंदर चलते एक मैच के अंदर नहीं चलते, तो आई थिंक इस बंदे को मैं जरूर लेके जाऊंगा अपनी टीम के अंदर। बाकी सुनील नैरिन को ड्रॉप करना भी एक खतरा है क्योंकि ये भाई साहब को लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से भी ऊपर भेजा गया, हालांकि लास्ट मैच के अंदर कंडीशन के हिसाब से इनको ऊपर भेजा गया था, बाकी रेगुलर बैटिंग नीचे करते ओवर्स या से पूरी करवा रहा है, पहली 3 मैच के अंदर विकेट भी निकाली है, तो इंपॉर्टेंस रह सकते हैं। और लास्ट मैच के अंदर जैसे हमने ऊपर देखा कि लास्ट मैच के अंदर स्पिनर्स ने विकेट्स निकाली थी, और ये भी दोपहर में मैच है तो यहाँ पर इनको एक टर्न मिल सकता है, तो इस प्लेयर को लेके जाना है। नीतीश राणा वेरी इंपॉर्टेंट पिक, ये बंदा मुंबई इंडियंस के सामने हमेशा अच्छा खेलता है, तो इस प्लेयर को जरूर लेके जाना है, ये हम आपको तगड़ा परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा और वैसे भी रिसेंटली अच्छे फॉर्म में भी है, तो लेके भी जाना है। ऐसे एंड्रे रसेल ने लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाली, लेकिन बैटिंग से भाई साहब ने काफ़ी निराश किया हुआ है, और हालांकि ये भाई साहब भी ऐसे मुंबई इंडियंस के सामने अच्छा खेलते हैं, तो नीतीश राणा और रसेल आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंस रहने वाले इस मैच के लिए। बाकी रिंकू सिंह भाई साहब गजब का, मतलब कि एक उभरता सितारा, जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया अभी तक का भाई जबरदस्त, सराहने लायक है, और इस प्लेयर को अपनी टीम के अंदर जरूर शामिल करिएगा। बैटिंग ऑर्डर लास्ट मैच के अंदर 7वें नंबर पर रहा, लेकिन यहाँ से 5वें 6वें नंबर पर बैटिंग के लिए आ जाएंगे। सरदुल ठाकुर एज अ रिस्की रहेंगे, उमेश यादव एज अ डिफरेंशियल में रहेंगे, लॉकी फर्ग्यूसन के ऊपर रिस्क ले सकते हो, इस मैच के लिए ले सकते हो इनको। बाकी सुयंश यादव और वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों में किसी एक को ट्राई करना है, मेरा सजेशन यहाँ से वरुण चक्रवर्ती के ऊपर रहेगा। स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ पर उमेश यादव और लॉकी फर्ग्यूसन, डेथ ओवर्स में यहाँ पर सरदुल ठाकुर और यहाँ से उमेश यादव डेथ में आएंगे।
इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और हम फाइनल टीम हमारी जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो रियल इलेवन का टीम हमारा रेडी है। मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से ऐसे ईशान किशन को लिया है। यहाँ पर आप लोग रहमान अतुल्ला, गुरबाज और नारायण जगदीशन को भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन से रोहित शर्मा है, नीतीश राणा है, इनके साथ ऐसे रिंकू सिंह और तिलक वर्मा को मैंने लिया है। यहाँ पर मैंने आज सूर्य कुमार यादव के ऊपर रिस्क ले लिया है। देखो प्लेयर बड़ा है, इनको ड्रॉप करना भी काफी बड़ा रिस्क है, लेकिन आप लोग चाहो तो इनको लेके जा सकते हो। मैंने यहाँ पर इनको ड्रॉप किया है क्योंकि रिंकू शर्मा और तिलक वर्मा दोनों अच्छे फॉर्म में है। ऑलराउंडर सेक्शन में सुनील नेहरी ने, एंड्रे रसेल और जैसे कैमरन गेन, यहाँ पर आप लोग नैनिन की जगह पर भी यहाँ पर सूर्य कुमार को लेना चाहो तो ले सकते हैं। और बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं, ऐसे वरुण चक्रवर्ती है, इनके साथ साथ ऐसे जेसन बेरन ड्रॉप और रिले मेरेडिथ हमारी टीम के अंदर रहेंगे। और यहाँ पर भी आप लोग ऑप्शन क्या है, यहाँ पर चोपड़ा अगर खेले तो हम लोग लेके जाएंगे, या फिर से आप लोग लॉकी फर्ग्यूसन को ले सकते हैं। टीम कुछ इस तरह से रहेगी, कैप्टन रहेंगे रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन ऐसे नारायण या से नीतीश राणा रहेंगे। बाकी चॉइस की बात करें तो चॉइस में यहाँ पर आप लोग रसेल और नेरिंग को ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसमें भी बहुत सारे बदलाव वगैरह देखने को मिलेगी और फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम में मिलेगी। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको फिर मिलने वाली है। और रियल इलेवन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसका फायदा मैंने सारे आपको मैंने शुरुआत में बता दिए, और इसका जो लिंक मिलेगा ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने पर रेफर कोड अगर यूज करोगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर बोनस भी मिल सकता है। तो ये बहुत सारे फायदे हैं, तो रियल इलेवन को डाउनलोड कर लो। देखो देखो भाई, खेलना तो हर जगह पर है, लेकिन हमको जहाँ पर फायदा मिलता हो, जहाँ पर हमारी एंट्री फीस कम रहती हो, जहाँ पर कंपटीशन कम रहता हो, हम लोग वहीं पर खेलेंगे। तो रियल इलेवन को डाउनलोड कर लो, साथ में वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।